हेलो स्टूडेंट्स, देखो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कोप प्रेसिपिटेशन किया था, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा लास्ट एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, पेनेट फजान हंस एब्जॉर्प्शन रूल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर जो आयन क्या होते हैं, स्ट्रोंगली एब्जॉर्ब होते हैं आयन्स के थ्रू, है ना, बाय आयनिक सब्सटेंस। मतलब आयनिक सब्सटेंस क्या है, जो हमारा प्रेसिपिटेट बना है ना, वो क्या होगा, फॉर्म लीस्ट सोल्यूबल साल्ट, वो लीस्ट सोल्यूबल साल्ट की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा, हमारे पास इसके अंदर एग्जाम्पल है ये ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन ऑफ BaSO4। हमने BaSO4 का प्रेसिपिटेशन करना है, हम इसके अंदर दो चीज़ डालते हैं, एक कैल्शियम 2+ डालते हैं, सेकंड इसमें मैग्नीशियम 2+ डालते हैं। अब देखो जो हमारा जो KSO4 है वो लेस सोल्यूबल बनेगा, ठीक है। क्यों लेस सोल्यूबल बनेगा, क्योंकि जो K2+ आयन है वो स्ट्रोंगली एब्जॉर्ब हो रहा है किसके अंदर, BaSO4 के अंदर। अगर ये स्ट्रोंगली एब्जॉर्ब होगा तो इसका जो साल्ट बनेगा वो कैसा रहेगा, लेस सोल्यूबल रहेगा, ठीक है। और इजीली हम इसको प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं। लेस सोल्यूबल होगा तो क्या होगा, जो हमारा लिक्विड है उसके अंदर ये इजीली मिक्स नहीं होगा और हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। मैग्नीशियम 2+ है वो क्या है, मैग्नीशियम 2+ स्ट्रोंगली एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये वीकली एब्जॉर्ब होगा। अगर ये वीकली एब्जॉर्ब होगा तो इसका जो साल्ट बनेगा वो मोर सोल्यूबल होगा और ये उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन ऑफ AgI, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। इसके अंदर क्या है, जो हमारा सिल्वर है AgI, इसके अंदर हम दो एनायन डालेंगे, कौन कौन से, NO3- और CHCO-, एसीटेट और नाइट्रेट। अगर हम नाइट्रेट डालते हैं तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा नाइट्रेट है ये वीक एब्जॉर्ब होगा किसके अंदर, AgI के अंदर। अगर ये वीक एब्जॉर्ब होगा तो जो इसका साल्ट बनेगा वो मोर सोल्यूबल बनेगा। अगर एसीटेट है, एसीटेट इसके अंदर स्ट्रोंगली एब्जॉर्ब होगा, स्ट्रोंगली एब्जॉर्ब होगा तो जो इसका साल्ट बनेगा वो लेस सोल्यूबल होगा, ठीक है। फिर आता है पोस्ट प्रेसिपिटेशन। अब देखो पोस्ट प्रेसिपिटेशन होता क्या है, पोस्ट प्रेसिपिटेशन के अंदर पहले हमें को प्रेसिपिटेशन देखना है। को प्रेसिपिटेशन क्या था, को प्रेसिपिटेशन के अंदर जो प्रेसिपिटेशन हो रहा था उसके साथ साथ ही इम्प्योरिटी भी प्रेसिपिटेट हो रही थी, ठीक है। को का मतलब अलोंग विद प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पे है पोस्ट, पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में जैसे हमारे प्रेसिपिटेट बन गए, अगर हमने उसको उसमें से सडनली नहीं निकाला तो उसके बाद क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटी भी प्रेसिपिटेट हो जाएगी, ठीक है। इसमें पहले प्रेसिपिटेट बनेंगे, बाद में इम्प्योरिटी के प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है इट इज द प्रेसिपिटेशन दैट अकर्स एज लेयर अपॉन द ऑलरेडी फॉर्म प्रेसिपिटेट। मतलब जो प्रेसिपिटेट ऑलरेडी बन चुके हैं उनके ऊपर ही इम्प्योरिटी की लेयर बन जाती है, ठीक है। इट इज सरफेस बेस्ड इम्प्योरिटी, है ना, सरफेस के ऊपर ही ये डिपॉजिट होगी लेयर की फॉर्म में, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, सरफेस बेस्ड इम्प्योरिटी, या फिर इम्प्योरिटी को हम कंटामिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। दैट अकर्स ड्यू टू हाई प्राइमरी एब्जॉर्प्शन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब जो जिस सोल्यूशन के अंदर हमारे प्रेसिपिटेट है उसके थ्रू ही तो वो इम्प्योरिटी उसके लग रही, प्रेसिपिटेट के ऊपर जमा हो रही है, ठीक है। इसलिए हमने कहा है कि ये कहाँ से आ रही है, जो हमारा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है बिकर के अंदर, उससे ही इम्प्योरिटी आ रही है। इसकी फिर अदर दूसरी डेफिनेशन है, इसके अंदर भी सेम वही है, ठीक है। फिर आता है इसका एग्जाम्पल, देखो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, देखो इफ़ द प्रेसिपिटेट फर्स्ट प्रेसिपिटेट इज नॉट फिल्टर्ड। अगर हमने फिल्टर को जो हमारा प्रेसिपिटेट बने हैं उनको इमीडिएटली फिल्टर नहीं किया तो वो क्या हो जाते हैं, कंटामिनेटेड हो जाते हैं विद सेकेंड, ठीक है। मतलब जो सेकेंडरी हमारे जो इम्प्योरिटी है उसके अंदर, उसके साथ कंटामिनेट हो जाते हैं और जो हमारे प्रेसिपिट रहेंगे वो क्या रहेंगे, इम्प्योर रहेंगे। अब एग्जाम्पल है हमारे पास कैल्शियम ऑक्जलेट है प्रेसिपिटेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। कैल्शियम जो ऑक्जलेट है उसकी प्रेसिपिटेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में होती है।
मैग्नीशियम ऑक्जलेट सेपरेट्स आउट ग्रेडुअली ऑन कैल्शियम ऑक्जलेट इट सेल्फ, मतलब जो कैल्शियम ऑक्जलेट प्रेसिपिटेट आउट करते हैं हम, उसके साथ ही क्या होता है मैग्नीशियम ऑक्जलेट भी सेपरेट हो जाता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है पोस्ट प्रेसिपिटेशन कहा है। अब इसके अंदर फिर सेकंड है द कंटामिनेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट ड्यू टू को प्रेसिपिटेट एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन मे बी रिड्यूस बाय टेकिंग फॉलोइंग प्रिकॉशन। देखो जो पोस्ट प्रेसिपिटेशन है और हमने क्या किया था को प्रेसिपिटेशन है, दोनों ही इम्प्योरिटी को प्रेसिपिटेट करते हैं और जो हमारे पीपीटी बने हैं क्रिस्टल बने हैं उनके साथ वो इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं, मतलब जो हमारे क्रिस्टल बनते हैं ड्यू टू को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन वो क्या होते हैं इम्प्योरिटी उसके अंदर ऐड होती है, तो इस इम्प्योरिटी को हम कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर है द रिएजेंट शुड बी टेकन इन मॉडरेट डायल्यूट फॉर्म, मतलब जो भी हमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज करने हैं उसको हमें डायल्यूट फॉर्म में ऐड करना है, ठीक है। द प्रेसिपिटेट एजेंट शुड बी एडेड स्लोली, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मैं आपको बोलती थी कि ड्रॉप वाइज स्लोली स्लोली ऐड करने हैं, ठीक है, तो इसके अंदर भी वही है कि जो हमने जो भी एजेंट यूज करना है रिएजेंट यूज करना है उसको हमने बहुत धीरे धीरे यूज करना है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर आता है द क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट शुड बी थ्रोली डाइजेस्ट, मतलब जैसे ही वो बनते हैं उसको हमने वहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। डाइजेस्ट का मतलब, डाइजेशन का मतलब होता है जैसे ही प्रेसिपिटेट बन गए उसके अंदर हमें अमोनिया ऐड करना है, उसको वॉश आउट करना है और उसको निकाल लेना है। फिर डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। अब इसके अंदर क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ कंटामिनेशन इज कंपेरेटिवली लेस, मतलब ये क्या बनते हैं प्रेसिपिटेट के साथ ही बनते हैं तो जो इम्प्योरिटी का अमाउंट होता है वो थोड़ा कम होता है, पोस्ट प्रेसिपिटेशन के अंदर ये बाद में इम्प्योरिटी ऐड होती है तो उसका जो इम्प्योरिटी का अमाउंट है वो ज़्यादा होता है। फिर हमारे पास आता है इसके अंदर प्योरिफिकेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब जो हमारे पास इम्प्योरिटी के साथ प्रेसिपिटेट है उनको हम प्योर कैसे कर सकते हैं। देखो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम वॉशिंग करते हैं क्रिस्टल्स की, है ना, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी होती है वॉशिंग के थ्रू वो बाहर निकल जाती है, तो वो वॉशिंग भी क्या है प्योरिफिकेशन का एक पार्ट है। अब जो हमारे क्रिस्टल्स बने हैं उसको हमने फिल्टर कर लिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फर्स्ट इसके अंदर है डाइजेशन, सेकंड है वॉशिंग। डाइजेशन का मतलब इसके अंदर सिंपल है, जो हमारे प्रेसिपिटेट बने हैं उनको हम क्या करेंगे मदर लिक्वर मतलब अमोनिया, अमोनिया के साथ उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, और जैसे ही हम उसको अमोनिया के साथ ऐड करेंगे या तो वो उसके उससे फिर जो इम्प्योरिटी है वो बाहर निकल जाएगी या फिर हम उसको थोड़ा सा हीट कर लेते हैं और हीट करते हैं तो फिर उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और उससे जो हमारे प्रेसिपिटेट है वो प्योर हो जाते हैं। इसके इम्पोर्टेंस है हमारे पास कि जो हमारे प्रेसिपिटेट बने हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है ना, वो मेल्ट होके दोबारा से फॉर्मेशन होगी तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन है ना, जो उसकी प्योरिटी है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। फिर उसका बाद है वॉशिंग, सेकंड है इसके अंदर वॉशिंग। वॉशिंग हम किसके थ्रू करते हैं, अमोनिया के थ्रू भी कर सकते हैं, इथेनॉल के थ्रू भी कर सकते हैं, ये हम वॉशिंग करते हैं। जैसे ही फिल्टर पेपर के ऊपर आ गया प्रेसिपिटेट उसको हम कॉनिकल फ्लास्क से या जो हमारी वो होती है कोन वगैरह होता है उससे निकाल के उसको फनल से उसको रख के और फिर उसकी हम वॉशिंग करते हैं, ऊपर से उसके अंदर इथेनॉल वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, तो उससे फिर क्या हो जाता है जो प्रेसिपिटेट है वो प्योर हो जाता है। और ये जो हमारा चैप्टर है सेक्शन डी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट के अंदर हम सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे।